नोट की वोट नहीं। अब क्या अगला कौन सा है? हंसी की चोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है। हंसी अगर आपने उड़ाई है तो ध्यान रखना आपस का वो प्रेम तोड़ा टूट जाता। हंसना और वो भी किसी के ऊपर हंसना, तो अपने आप को फंसाना है संसार में। हंसना वो भी किसी के ऊपर हंसना, तो ये अपने आप को आपने फंसाया है संसार में। हंसी की चोट का घाव अनेक अनेक भावों तक उसका घाव नहीं भरता है। काहे कि हंसी की वो जो चोट पहुंचाई ना आपने, वो चोट है चोट, वो चोट ऐसी है, उसका घाव वो तो दूसरा, आपने किसी को मार दिया, खून निकल गया, शायद वो हिली हो जाएगा, शायद मलम पट्टी से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी के ऊपर हंसे हो, किसी के ऊपर हंसे हो, उस हंसी की चोट का घाव अनेक अनेक भवों तक जाता है। महाभारत का कारण क्या था, उठाकर देख लेना उस ग्रंथ को। महाभारत का कारण क्या था, एक हंसी थी मात्र। अंधे के क्या बोल रहा था, अंधों के बेटे तो अंधे ही होते हैं, और हंस दिए। एक इतनी सी हंसी ने वो महाभारत बना दी। हजारों लोगों लाखों खून की नदियां बह गई। सोचो विचार करो, ये हंसी की चोट क्या कर जाती है, क्या कर जाएगी। दंगे फसाद हो जाते हैं जरा सी हंसी में। एक गांव में एक महिला ने एक पुरुष ठाकुर को देखकर इस प्रकार से हंसी उड़ा दी। उस हंसी के चक्कर में इतना विवाद हुआ कि चार खून हो गए। कितने खून? चार खून हो गए। उसकी थोड़ी सी मुस्कुराहट थी, ठाकुर ने बोला मेरे पे मुस्कुराई छोड़ूंगा नहीं मैं, और छोड़ूंगा नहीं, और ठाकुर ठाकुर होते हैं, आपस में लड़ लिए। कारण मैंने पेपर में पढ़ा था कि कारण क्या रहा, बोले वो महिला हंसी थी, वो महिला हंसी भर थी, और उस हंसी भर में पूरा काम हो गया। तो मैंने कहा युग के आदि में महाभारत हंसी से ही हुई थी, तो अब कौन सी बात है। कलयुग में अगर युद्ध हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, महाभारत भी एक हंसी के साथ हुआ था। सोच समझ के हंसो। आज पुण्य के उदय से किसी की हंसी उड़ा रहे हो, पर कर्म आपको बाद में रुलाएगा, ये निश्चित मान के चलना, निश्चित मान के चलना। आज पुण्य है, आज सब कुछ अच्छा है, तो आप हंसी उड़ा रहे हो, लेकिन बाद में कर्म रुलाएगा आपको, ये निश्चित मान के चलना। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब कर्म का तीव्र उदय आएगा और हंस कर तीव्र कर्म बंद करते हो आप, तीव्र कर्म बंद, ध्यान रखना, छोटा मोटा बंद नहीं होता है, बिल्कुल निगति निकाचित कर्म बनते हैं हंसी करने से। जब आप हंसते हो तो सामने वाले को कितना संकलेश होता है, उसके परिणाम कितने खराब होते हैं। आपको तो ठीक है, पर सामने आपको तो जो आपने जो तो किया वो ठीक है, आपको बुरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसका कितना बुरा हुआ, सोचो तो सही। आपने तो थोड़े से मैं उसकी हंसी उड़ा दी, लेकिन वो कितना संकलेशित परिणाम में हो गया है, उथल पुथल कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो, आप पैसे वाले हो, आप शक्तिशाली हो, आप ताकत वाले हो, आप ग्रुप वाले हो, आपके साथ 10 लोग हैं, अपने 10 लोगों के सामने उसकी हंसी उड़ा दी, अब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसा मत समझना। लेकिन बद्दुआ तो दे रहा है वो आपको, क्या वो बद्दुआएं तो प्रेषित कर रहा है आपको, ध्यान रखना। दुआ दे ही नहीं रहा है, लेकिन बद्दुआ जरूर दे रहा है, वो बद्दुआ लगेगी, ये निश्चित मान के चलना। इसलिए कभी भी हंसी मत उड़ाना, कमजोर की हंसी मत उड़ाना। वो कमजोर आज है, कर्म का उदय है। हंसी के पात्र से आपका प्रेम समाप्त होगा, और उसका तो बुरा होता ही चला जाएगा। कभी कभी आप आपस में भी मजे लेने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए आप हंसी मजाक करते हो, पर पता नहीं वो हंसी आपके लिए फांसी का भी कारण बन सकती है। वो हंसी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझाने देने वाली है, ये बिल्कुल मान के चलना। जब आपके ऊपर कोई हंसता है तो बताओ आपको कैसा लगेगा, बताओ ना। चार लोगों के बीच में अगर कोई आप पर हंसे तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगता है ना। जब आपको बुरा लगता है तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा,
हैं, हमें वो व्यवहार पसंद नहीं है तो हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार क्यों करें? आपको बताएं, कॉलेज में कुछ बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? वो बच्चे कॉलेज में बोलते हैं कि मेरी हंसी उड़ाई जाती है, ये कारण है कि मेरी हंसी उड़ाई जाती है। नहीं भैया, ऐसा काम मत करो, किसी की इस प्रकार से हंसी मत उड़ाओ। और हंसी है क्या? आपने ये माना है, ये बहुत बड़ी भूल है, कान खोल कर सुन लो। आप क्या समझ रहे हो गुस्सा करना पाप? आपकी धारणा ये। मायाचारी करना पाप? आपकी धारणा ये। अभिमान करना पाप? आपने ये मान लिया। लोभ करना पाप? आपने ये स्वीकार कर लिया। अरे भैया, हास भी नो कषाय है, हास भी नो कषाय है, मतलब कषाय का ही बेटा है वो। 25 कषाय आती है, कितनी? आगम में 25 कषाय। 25 कषाय कौन कौन सी है? तो बोलते 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजुलन, मतलब ये क्रोध मान माया लोग, 4 चौक 16। और बोले 9 कषाय और कहाँ की है? तो बोले हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुष, ये 9 ये भी कषाय है। इनको मिलाकर आगम में 25 कषाय बनती है। और आपको बताएं, ये कषाय से ही स्थिति और अनुभाग बनता है। आपका जो कर्म है ना, उस कर्म में जो स्थिति पड़ेगी कि ये साल भर तक देगा फल, 2 साल तक फल देगा, और अनुभाग कितना, मतलब किस प्रकार से, कितनी इसकी कड़वाहट रहेगी कर्म की, कितना तीव्र फल देगा, वो कषाय से ही पड़ता है। और हंसना कषाय है, हंसना कषाय है, और इस कषाय से तीव्र कर्म का बंद होता है, ये मानना। ऐसा हंसना कसा है, क्रोध करके, जब क्रोध को आप पाप समझते हो तो इस हंसने को भी आपको पाप मानना पड़ेगा, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सब करो पर किसी पर हंसो मत, किसी पर हंसो। देखो एक वो वाला एक अलग होता है, हम लोग 10 लोग बैठे हैं और 10 लोग में एक मुस्कुराहट होती है, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन एक हंसी एक अलग चीज़ होती है। गुरुदेव कहते हैं प्रसन्न रहना वो भगवान की भी मुस्कान है। हम ये नहीं बोल रहे आप नीचे मुंह करके मायूस बैठे रहो, उदास चेहरा बना के बैठे रहो। हमारे भगवान उदास नहीं बैठते, उनके चेहरे पर स्माइल आएगी, है ना, वो मुस्कान उनके चेहरे पर आएगी। वैसा मुस्कान के साथ आप अपना जीवन रखो, उसमें कोई बाधा नहीं है, वो कषाय उससे बंद नहीं होगा। लेकिन बंद कब होगा? दूसरों के ऊपर हंसने पर बंद होगा। नोटा वालों, हाँ आपका क्या कह रहा है, हंसी की चोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। इतना सा नियम ले लो आज कि महाराज जी हम किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे। कर सकते हो बच्चों? कमिटमेंट हो जाएगा इतना? बहनों हो जाएगा? भाई लोग हो जाएगा? सब करना। अपन रात को स्वाध्याय में देखता हूँ आप बहुत हंसी उड़ाते हो ना। अच्छा है जागरूक हुए, कल 50 लोग रात्रि के स्वाध्याय में थे, तालियां बजा दो नोटा वालों के लिए। हमारी पुस्तकें कल कम पड़ गई, पूरी बुला ली फिर भी जो है समाप्त हो गई, लगभग 50 युवा वर्ग कल रात्रिकालीन 9। सुन लो बासा वालो, आयो हो चतुर्मास के लिए निवेदन करने, कल पहले ही दिन था, मतलब समझ लो पहले जैसे ही था, 50 लोग रात्रि के स्वाध्याय में थे। अच्छा बताओ आनंद आया नहीं आया? हैं, रात को 10 बजे तक थे सब लोग, आया आनंद? हम थक गए थे, हमने बस कर लो भैया, तुम लोग तो बंद ही नहीं कर रहे हो, अभी और बढ़ेंगे, 50 से ज़्यादा बढ़ेंगे, और आनंद आएगा, आप चिंता नहीं करो। एलोरा में था मैं तो नशा था, नशा बिल्कुल ऐसा पूरा पैक रहता था वो कमरा हॉल, हमें जगह नहीं मिलती थी, नीचे सीढ़ियों पर बच्चे खड़े होते थे, नीचे तक चले जाते थे, क्या करें, अब जगह ही नहीं थी तो पूरा ऐसा पैक हो जाता था, क्योंकि आनंद अलग आता है और हमारी स्टाइल अलग है स्वाध्याय कराने की। हम आज एक बालक को दे दिया है, इस पर पूरा पढ़ के आना है और फिर आपको बोलना है,
वो अपनी प्रस्तुति करेगा और सबको फिर पेंसिल और हम वो दे ही देते हैं पुस्तक। अब आपको एक लाइन बोलनी है, जो अच्छे लगे वो आपको एक लाइन चॉइस करनी, फिर सबसे हम वो बुलवाते भी हैं। कल विषय कम हुआ था और विषय अभी हाल हो नहीं पा रहा है, होगा तो आपको मिलेगा। और हमने दो चीज़ें आवाज़ तो समय हो गया कल, क्योंकि देखो बहनें माताएँ बैठ नहीं पाती है, ठीक है ना, आज रात को याद दिला देना, ताकि वो दो विषय जो अपने कल हुए हैं वो हम कल करा देंगे, अभी समय हो रहा है। कि अपन ने दो कौन कौन से विषय पढ़े, कर्म बंद के उपाय और कर्म बंद से छूटने के उपाय, ये तीन तीन छह कारण हुए थे कल अपन, क्योंकि अपना समय ज़्यादा हो रहा है, ये छह उपायों को पढ़ेंगे। और अभी एक चीज़ तो रह गई है कि कौन सी, नोटा का टार रह गया है, नोटा का टार रह गया है कि टालने की खोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है, तो वो टालना क्या कहलाएगा उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। आज तो इतनी ही बात करिए कि ध्यान दो बातें आज के प्रवचन की मुख्य हैं, कि हमने प्रेम दिया कितना है और हमने प्रेम लिया कितना है, इसकी बैलेंस शीट तैयार करें, इसकी बैलेंस शीट तैयार करें, खतौनी करें सबके प्रति, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें हंसना नहीं है, किसी की हंसी नहीं उड़ाना है, हंसना भी नौ कषाय है। हम प्रयास करेंगे हम हंसी ना उड़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य भगवान का संस्मरण करना था लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इतना ही रखते हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण अपन कल सुनेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। नोट की वोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है, हंसी के चोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है, टालने की खोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है, ये नोटा कह रहा है। और कल प्रेम की बात और करी थी, लिया प्रेम कितना और दिया कितना, इसका आप लोगों से मैंने कहा था हिसाब लगाना, कल आप लोगों ने हिसाब लगाया कि नहीं लगाया, बताओ तो सही। कल मैंने बोला था बहुत अच्छी बात शुरुआत करी थी कि मुझे सबसे प्रेम मिलना चाहिए, ये इच्छा मन में उठती रहती है, अथवा मुझे सबको प्रेम देते रहना चाहिए, ये इच्छा मेरे मन में जागती है। दूसरा प्रश्न किया था, मुझे सबकी ओर से चाहिए वैसा प्यार नहीं मिला, इस बात की मन में चुभन है, या मैं सबको चाहिए जैसा प्यार नहीं दे पा रहा हूँ, इस बात की मन में चुभन है। ये दो प्रश्न आप लोगों के बीच में मैंने करे थे और आप लोगों से बोला था कि आपको प्रेम का हिसाब लगाना है, प्रेम की वो खतौनी करना है। ये कहा था हर रिश्ते में आपकी बैलेंस शीट आपको बना लेना है, खतौनी में क्या हिसाब बना है कि व्यापार की जैसे खतौनी होती है, ऐसे प्रेम की इस दुकान में आपको क्या करना है, लेनदारी ज़्यादा होना चाहिए और देनदारी कम। आप कर्जदार बना दो अपने प्रेम से सबको, आप निश्चित तौर पे महान बन जाओगे। आप कर्जदार हो काय का, आपने सबसे प्रेम लिया है और प्रेम दिया कम है, ये कल बात अपन ने कही थी। और ये भी कहा था जिसने प्रेम की दुकान में दिया ज़्यादा है और लिया कम है, उस दुकान पर कायदे से वही फायदे में है और वही सच्चा धर्मात्मा है। आपके व्यापार में जो लेता है, व्यापार तो ऐसा जो लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं और अब धनी बनते जाते हैं, लेकिन इस प्रेम के व्यापार में जो देता जाता है वो प्रेमी बन जाता है। और एक और बात बोली थी कि धनी लोग धन से स्वार्थ से इज्जत देते हैं, जबकि प्रेमी लोग निस्वार्थ भाव से आत्मा से इज्जत देते हैं। अगर आपके पास वो होगा तो अपने आप निश्चित तौर से आपकी इज्जत बढ़ती चले जाएगी। और मैंने आपसे कल बात करी थी कि हंसी की चोट नहीं, आपस के प्रेम को थोड़ा है। आज आप पुण्य के उदय से किसी की हंसी उड़ा भी रहे हो, पर कर्म आपको बाद में रुलाएगा, यह निश्चित मान के चलना। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है या उसके कर्म का तीव्र हृदय, पर आप हंसकर तीव्र कर्म मत बांधो, इस प्रकार से कर्म मत बांधो, नहीं हो पा रहा है उसकी है लेकिन नहीं आपको नहीं, क्योंकि हम कभी कभी आपस में एंटरटेनमेंट के लिए हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन ये हंसी ही आपके लिए फांसी का कारण बन सकती है। और एक बात और बोली थी, क्या बोली थी, जब आपको हंसी पसंद नहीं है
तो सामने वाले को हंसी पसंद हो सकती है क्या? नहीं। सब ध्यान रखना, हंसी एक प्रकार से कषाय है, वो भी कर्म बंध का कारण है। अपन ने कल ये बात आप लोगों के बीच में करी थी और आज बात करना है कि टालने की खोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है। टालना मतलब क्या? हमारे बीच में हम सब एक दूसरों के साथ अपेक्षाओं के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, और जब कोई अपेक्षा रखता है और जब हम टाल देते हैं तो रिश्ते में निश्चित तौर से दरार पड़ती है। बिल्कुल, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति से कोई ना कोई अपेक्षा है। एक पत्नी को अपने पति से अपेक्षा है, एक पति को अपनी पत्नी से अपेक्षा है, एक बच्चे को अपने माता पिता से अपेक्षा है, एक माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा है, एक सास को बहू से अपेक्षा है, एक बहू को सास से अपेक्षा है। एक हर रिश्ता अगर आपको बरकरार रखना है तो उस अपेक्षा को सामने रखना ही पड़ेगा। जब तक वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, जब तक वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है, तब तक ध्यान रखना रिश्ते टूटते चले जाते हैं, दरार आती चली जाती है, प्रेम सब कुछ समाप्त होता चला जाता है। तो क्यों ना जितना हमने भगवान को महत्व दिया है, जितना हमने देवशास्त्र गुरु को महत्व दिया है, उतना हम अपने घर में रह के आपस की अपेक्षाओं को भी महत्व दें। आपस की अपेक्षाओं को भी महत्व, जितना हम सिंसियर होकर नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, क्या कभी ये माला फेरी कि मेरी क्या जिम्मेदारी है मेरे बच्चों के प्रति, वो मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं और वो मैं क्या उन अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहा हूँ? अगर आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और टाल रहे हैं, तो निश्चित ये मान के चलना वो टालना आपके प्रेम को टालना हो जाएगा, वो प्रेम को तोड़ देगा, प्रेम को वो हटा देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबकी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए, सबकी इच्छाओं का ध्यान में रखना चाहिए। जो सबकी इच्छाओं को और सबकी भावनाओं को ध्यान रखता है, निश्चित ये मान के चलना कि वह सबका प्रेमी बनता है। जब आपसे कोई कुछ कहना चाहता है, वास्तविकता में वो कुछ मन की बात आपको बताना चाहता है और आप उसे टालते हो, तो आपस का प्रेम तो टूटता है, लेकिन उसको क्या लगता होगा कि मैं तो बड़े मनोभाव के साथ कुछ बताने आया था, कुछ सुनाने आया था, पर ये मेरी बात को सुना अनसुना कर दे रहे, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे और मेरे लिए टाल दिया उन्होंने। बताओ क्या लगेगा? आज वो व्यक्ति मजबूरी में, तकलीफ में, कष्ट में, पीड़ा में है, कोई ना कोई कारण तो होगा, तब तो वो आपके पास आया है और आपने समय नहीं दिया और टाल दिया। वो टालना क्या कहलाएगा? वो टालना ठीक नहीं है। हमें जितना हम अपने लिए, अपने आप के लिए समय निकालते हैं, उससे अधिक हमें दूसरों के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई विश्वास के साथ आया है और आपने अनसुना कर दिया, बताओ क्या होगा? क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट बोलता हूँ, टालना टालने के लिए मना नहीं है, लेकिन क्या टालना कहाँ पर चाहिए और कहाँ पर नहीं चाहिए, इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में स्थापित कर लें कि कहाँ कहाँ हमें किस किस स्थान पर टालना चाहिए और किस स्थान पर नहीं टालना चाहिए। टालना पर सबसे पहले ध्यान रखना, गुरु की बात कभी मत टालना। क्या बोल रहा हूँ? टालना पर कभी ध्यान रखना, गुरु की बात कभी मत टालना। गुरु ने कह दिया ऐसा कर लो, कर लेना, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु मत करना। गुरु ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो समझा होगा, तब तो वो आपसे कह रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं। मैं हमेशा कुछ भी होता था तो कुछ पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाता था कि आचार्य भगवान ये तकलीफ हो गई है, आप जो बोलोगे वो हमारे लिए औषधि का काम करेगी, आप तो बोल दो ये करना है, क्योंकि अगर आपने अमृत धारा भी कह दिया लगा लो तो वो औषधि बन जाती है। ये गुरु के वचन थे, ये गुरु के मुख से निकली है, वो बात निश्चित तौर से औषधि का काम करती है। उनकी बात मैंने जीवन में कभी नहीं टाली, आज तक जितने साल उनके साथ रहा, 18-19 साल ब्रह्मचर्य अवस्था से, लेकिन उनके शब्दों को कभी मैंने टाला नहीं, उनके शब्दों में कभी किंतु परंतु नहीं करा। एक बार की बात, एक दो बार और बताइए, आज और नोटा वालों के बीच बताता हूँ कि मैंने बात नहीं टाली, जबकि
स्थिति और परिस्थिति ऐसी थी, फिर भी विश्वास था, नहीं गुरुदेव ने कहा है मुझे गुरु की बात को नहीं टालना है। दुर्ग की बात है, पंच कल्याणक चल रहा था और पंच कल्याणक में वहाँ जिनाले का काम चल रहा था और बाहर पत्थर की क्लेडिंग चल रही थी और अपने ही प्रमाद के कारण, अपने ही कहना चाहिए कि असावधानी के कारण हमें ठोकर लग गई। और ठोकर लग गई तो ऐसी ठोकर लगी कि खून पे खून आए जा रहा है, नाखून अलग हो गया है। स्थिति बड़ी गंभीर थी। वहीं महाराज से उनने देखा, धीरे से हम हाथ पकड़ते पकड़ते ऊपर आए। ऊपर आने के बाद कमरे में आए, थोड़ा सा उसको खून साफ किया, करने के बाद सबने बोला ये कर लो वो कर लो। उसी वक्त हमने कहा सब कुछ ठीक है, मैं गुरुदेव के पास जाऊँगा और गुरुदेव जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं पहुँचा गुरुदेव को, वो सब स्थिति बताई। गुरुदेव ने देखा, मुस्कराया और उन्होंने बोला पीड़ा हो रही है। हमने कहा ऐसी तकलीफ तो हो रही है। अरे शरीर को तकलीफ हो रही है, दुर्लभ आत्मा को थोड़ी तकलीफ होती हैगी, हैं? तुम्हारा जैसा साधक ऐसा बोलेगा? इतनी बात बोली, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं हो रही है जयश्री जी, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप तो आशीर्वाद हो, सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा एक काम करना, बोले बताऊं तो करोगे? हाँ। मैंने कहा हाँ जयश्री जी, आप बोलो, आपकी बात क्यों टालूंगा मैं, आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। बोले वो जिस पत्थर की लगी है बाहर। मैंने कहा हाँ जी जयश्री जी। बोले उस पत्थर का, फिर बोले आपको कैसे बताएं, आप थोड़ी करोगे? मैंने हाँ जी। तो फिर दूसरे महाराज जी थे, वहीं खड़े थे, सुनो हाँ वो जिस पत्थर की लगी है ना, वो नीचे पत्थर का काम चल रहा है। हाँ। बोले उस पत्थर का पाउडर करना घीस के, क्या करना है? पाउडर करना है। और पाउडर करने के बाद माचिस की जो तीली आती है, उसमें होता है ना तीली के ऊपर जो काला काला लगा रहता है, इससे आप जलाते हैं, वो बुरकना मिलाना और उसको उस घाव पर लगा देना। और ध्यान रखना वो जो घाव पर आप लगाओ ना तो उसको हटाना नहीं है, सब अपने आप ठीक होगा और ये घाव ठीक हो जाएगा, विकल्प नहीं करना। और सुनो आपको लोग डराएंगे भी, आपको कहेंगे क्या कर रहा है, उंगली कट जाएगी, डरना मत। मैंने कहा अच्छा श्री जी, एक नहीं ऐसी सैकड़ों उंगलियां चले जाए तो भी डरूंगा नहीं मैं, आप कह रहे हो तो क्या किंतु परंतु। जैसे ही कमरे से बाहर आया, और देखो एक बात ध्यान रखना, साधु को कुछ हो जाता है ना तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है। तो इतना लग गया था तो पूरे दुर्ग के डॉक्टर वहाँ पहुँच गए। मैं इधर गुरुजी के पास, उधर डॉक्टरों की भीड़ लग गई। प्रसाद सागर जी के कमरे में सब डॉक्टर थे। जैसे ही पहुँचा तो वहाँ डॉक्टर्स लोग की भीड़ लगी थी और उन्होंने पाँव देखा, उंगली देखी, खून बहुत बह रहा है। और उसी वक्त हमने कहा कुछ नहीं करना है, पत्थर का चूरा करना है, उसमें वो तीली का जो चूरा है वो मिलाना है और इसको चिपकाना बुरकना है। तो डॉक्टर ने बोला, बोले महाराज जी गुरु जी को क्या है, अभी उंगली कट जाएगी आपकी, सड़ जाएगी आपकी उंगली, आप समझो बात को, आप मानो हमारी बात को, ये आप नहीं करो, इसकी ड्रेसिंग करो, व्यवस्थित पट्टी करो, हम करते हैं इसकी व्यवस्था, वो आप कार्य मत करो। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आज तक गुरु जी की बात टाली नहीं है मैंने, आज तक किंतु परंतु गुरु जी के आगे मैंने नहीं किया, जी गुरु जी जो आप कहोगे वो हो जाएगा। मैंने कहा उंगली जाएगी ना, चले जान दो उंगली चली जाएगी। तो बोले ऐसा समर्पण, ऐसी अंधी भक्ति मत करो, आप समझो हम गुरु जी पास चले जाते। मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा वो ये समझेंगे दुर्लभ को विश्वास नहीं, इसलिए इनने डॉक्टरों को भेज दिया। मैंने कहा बिल्कुल कोई नहीं जाएगा मेरे लिए पूछने, सब बाहर हो, संत भवन से बाहर, यही होगा जो गुरु जी ने कहा है। अब डॉक्टर लोग विकल्प कर रहे हैं, एक भैया गए पत्थर का चूरा किया, उसमें उन्होंने वो मिलाया और वो भुरक दिया और बिल्कुल सुखा दिया, और सूखने के बाद अपने आप धीरे धीरे घाव हुआ। और अचेष्टी के शब्द क्या थे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चमड़ी आएगी, अपने आप सब कुछ ठीक होगा और वो जो पत्थर है वो अपने आप निकल जाएगा। 8 दिन के अंदर सब अपने आप ठीक हो गया। वही डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा आपकी ड्रेसिंग महीने भर चलती और हमारे गुरुजी की ड्रेसिंग ने 8 दिन में ठीक कर दिया। आप सुबह शाम दोपहर 3 टाइम परेशान करते, आचार्य श्री ने तो 2 मिनट काम किया और 8 दिन तक कुछ नहीं किया और देख लो ठीक है। फिर उन्होंने कहा गुरु की महिमा वर्णी ना जाए, ये गुरु की महिमा है जो बताएं वर्णी ना जाए। इसलिए ध्यान रखना जीवन में गुरु की बात में कभी किंतु परंतु मत करना। एक नहीं हजारों बार देखा है मैंने, गुरु जी ने ये किया है और वो अपने आप औषधि बन जाती है, बिल्कुल
पूज्य शाश्वत सागर जी आपके तारादेही में ऐसे हैरान थे, परेशान थे, सब कुछ कर लिया मैं, हताश हो गया, क्या होगा, वो कह रहे मेरी समाधि करा दो, इस प्रकार से उनका पेट फुला हुआ था, ऐसा मचल रहे थे, सब कर रहे थे, ये कर रहे थे। फिर मैंने कहा अब जब नहीं संभल रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं भी हैरान परेशान हो गया और मैं गुरुदेव के पास पहुँचा। मैंने कहा गुरुदेव आपको स्वयं चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा कष्ट, अफरा हो गया उनके पेट में और मैंने सब प्रयास कर लिए, मेरे सब प्रयास दुष्फल हो गए, उनके उनका जो पेट वैसा हो रहा है कि अगर मुक्का मारो तो अपने को जो है वो लग जाए और पेट को कुछ नहीं हो रहा है, ये स्थिति हो गई। आचार्य श्री मुस्कुराते आए, उनने कुछ नहीं किया, अपना हाथ लिया, अब नमोकार मंत्र पढ़ा, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़े पढ़ते पढ़ते अमृत धारा लगाई लगाई लगाई। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि नहीं ये सब मत करो, इनको भिजवाओ, इनका ऑपरेट करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, ऑपरेट करना पड़ेगा, नमोकार मंत्र पढ़ा, अमृत धारा लगाई, 5-7-10 मिनट सब ठीक। डॉक्टर तो डराते हैं लेकिन गुरु जी का विश्वास था, इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव की बात, गुरु की बात कभी टालना नहीं, कभी किंतु परंतु नहीं करना। इतना सा नियम ले लो कि गुरु जब जब भूलेंगे तब तक हम किंतु परंतु नहीं करेंगे, कभी नहीं। कह दिया उनने कि रात में छोड़ दो, छोड़ देंगे, सब होगा, अपने आप होगा, क्या किंतु परंतु करना, क्यों मना करना गुरु के चरणों में, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब अपने आप आता चला जाता है। अभी बाजना की बात बताता हूँ, बाजना में बहुत सुंदर भगवान प्रतिष्ठित है, अगर जाना बाजना के दर्शन करना, पंचकल्याण कराएं, वो भगवान हमने खजुराहों में परिकर सहित हमने स्वयं ने बनवाए और वो भगवान पहली बार हमने अपनी इच्छा से बनवाए वो भगवान। और हुआ ये कि आचार्य श्री जी का नेमावर चतुर्मास हुआ और नेमावर के पास सतवास का जो मंदिर था उसके लिए वो भगवान आचार्य श्री जी ने कहा दुर्लभ मंदिर तुमने बनाया है, पंचकल्याण कराने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हमने कहा आचार्य श्री आपको आना, नहीं कह दिया ना पंचकल्याण करने तुम्हें ही जाना है, अब हम कुछ नहीं किंतु परंतु सुनेंगे। हमने कहा ठीक है आचार्य श्री जी पर मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कोई बड़ा भेजो। अब बड़े तो बन गए हो? नहीं, मैंने कहा नहीं, फिर आपकी शर्त है तो मेरी भी शर्त है, कोई बड़े साधु दो आप मेरे को, मैं बड़ा बन के नहीं जाऊँगा। तो अच्छा ने कहा ठीक है, हम सोचते हैं विचार करते हैं लेकिन आपको तो जाना ही है। हमने कहा ठीक है, हम देख लेंगे समझ लेंगे। तो आचार्य श्री जब ऐसा कहा, अब आई बात प्रतिमा कि प्रतिमा कहाँ से कैसे लाएं, इतनी जल्दी प्रतिमा कहाँ से आएगी, और हम तो समझे थे साल भर बाद पंचकल्याण होगा और आचार्य श्री कह रहे अभी करो। फिर विकल्प रहा क्या करना कैसे करना, तो बाजना की प्रतिमा बनी थी जिन मास्टर साहब की, वो जो मास्टर साहब है उनसे बोला जो खजुराहों में प्रतिमा बनी वो प्रतिमा आपकी हमें चाहिए, आपको प्रतिमा देनी है। तब उनके शब्द थे क्या थे कि वो प्रतिमा कैसे दे दूँ मैं, महाराज ने खुद बनाई है उस प्रतिमा, सामने 4 महीने रहे हैं चतुर्मास में, पर गुरु की बात में नहीं टाल सकता, गुरु की बात में नहीं टाल सकता, उनने उनके मुख से निकला तो मैं कैसे मना कर दूं, मेरी हिम्मत नहीं है मना करने की, मेरी क्या औकात कि गुरु को मैं मना कर दूं। और उन्होंने मना नहीं किया, और मना नहीं किया तो आपको बताता हूं क्या हुआ कि मैं पैसा नहीं लूंगा, क्या नहीं लूंगा, मैं पैसा धन राशि नहीं लूंगा। अब क्या किया जाए, पैसा नहीं लेना है, 5-7 लाख की प्रतिमा है वो ले ले और गुरु जी अपने हिसाब से कर दे, अगली प्रतिमा बनेगी उसकी धन राशि मैं दूंगा।